नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। जनपद बिजनौर के डेहरी गांव की खुशहाली विकास के सैलाब में डूब चुकी है। गांव से होकर गुजर रही सड़क अब नेशनल हाईवे बनी है, जिसका निर्माण हुआ तो गांव की गलियां और सड़कें गहरी हो गई। नतीजा ये हुआ कि गांव के पानी की निकासी नहीं होती। अगर हाईवे के दोनों ओर नालों का निर्माण हो जाता तो परेशानी नहीं होती। बिजनौर कोतवाली मार्ग अब पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे का हिस्सा बन चुका है। हाईवे के मानकों के अनुसार इस सड़क का नया निर्माण हुआ है। मिट्टी डालते हुए हाईवे को ऊंचा करके बनाया गया है। ऐसे में सड़क किनारे तमाम गांव गहराई में चले गए। जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली क्षेत्र डेहरी गांव के लिए सड़क का निर्माण मुसीबत बन चुका है। बता दें कि डेहरी गांव में सड़क काफी ऊंची है। गांव के पानी की निकासी पहले सड़क की ओर थी, जिसके चलते गांव की गलियां और सड़कों का ढलान भी मुख्य मार्ग की तरफ बना हुआ था। अब सड़क किनारे के गड्ढे खत्म हो गए तो गंदा पानी गांव की सड़कों पर ही जमा हो रहा है। बरसात में ये लोगों के घरों में भी घुस जाता है। समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन दोनों ओर नालों का निर्माण प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होने की वजह से निर्माण कंपनी भी कुछ नहीं कर सकी। हालांकि कच्चा नाला खोदा गया, लेकिन उसमें भी मिट्टी भर जाती है। मिट्टी में दब गए गांव के 9 हैंडपंप। गांव का कच्चा नाला तोड़ दिया गया है, जिसकी जगह पर पक्के नाले का निर्माण नहीं कराया गया है। सड़क किनारे लगे 9 हैंडपंप मिट्टी में दबा दिए गए हैं। इससे भी पंचायत को काफी नुकसान हुआ है। सड़क निर्माण की जद में आ रहे इन हैंडपंप को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना चाहिए था। पूरे गांव में एक साथ सड़क और नालों निर्माण कराने के लिए इतना बजट पंचायत के पास नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में फैली गंदगी के कारण मच्छर बहुतायत में हो गए हैं। मच्छरों का प्रकोप फैला हुआ है। गांव में 50 से भी अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं। मलेरिया भी गांव में फैला हुआ है। पूरा गांव लगभग 6 फीट की गहराई में आ गया है। गांव में पानी की निकासी बिल्कुल बंद है। गांव में पहले से निकला हुआ नाला भी बंद हो गया है। इस कारण गांव में ही पूरा पानी भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद, ग्राम प्रधान नूर अलीपुर भगवान। अच्छा, गांव में जो है ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास नहीं हो पा रहा है, इस संबंध में क्या कहना है? देखो, अब ऐसा कि जो पैसा हमारे पास आता था पहले, अब उसका जो है 30% तो काट के 15% तो जिला पंचायत को दे दिया, 15 फिर मुख साहब को दे दिया, तो 30% तो काट लिया। बचा 30% मानदेय में चला जाता है। अब जो बचा है, अब जो 30-35% जो बचता है पैसा, तो वो पंचायत घर, शौचालय, आंगनबाड़ी, स्कूल, उसका ही बहुत पूरा नहीं होता, तो बाकी और विकास कहाँ से। अच्छा, गांव में जो है कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि जैसे बुखार आ रहा है, परेशानी आ रही है, और इससे जो है डेंगू का खतरा है जी। तो इसके लिए जो ऐसा है कि हमने दो रास्ते तो सुखा लिए फिलहाल, एक रास्ते में और भी कीचड़ है। ये समस्या सिर्फ इस रोड की वजह से है। इसके लिए हम, इस पर नाला था जो हमारा पुराना नाला था, तो इन्होंने ये कहा कि हम इसे बनवा देंगे, तो उसे तो बंद कर दिया इन्होंने। अब नया नाला रोड वालों ने आज तक नहीं बनवा के दिया। हम प्रमुख साहब से मिलिए, वीडियो साहब से मिलिए, अच्छा जी डीएम साहब से मिलिए, तहसीलदार से मिलिए, एसडीएम साहब से मिलिए, इसके बाद इनके ऑफिस गए, यहाँ भी गए, मेरठ भी गए 3-4 बार, विधायक जी भी हमारे साथ गए, सदन में 2 बार ये मुद्दा उठवा दिया हमने विधायक जी से, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। और क्या करा इन लोगों ने, रोड वालों ने, कि जो हमारे 8-9 नल 9-10 नल जो थे चलते हुए अच्छे खासे बढ़िया, तो उन्होंने सबको मिट्टी में दबा दिया। कहने के बावजूद भी ये लोग जो नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 1 साल से ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन जो हमने लिखित में दी थी, उसका कोई जवाब नहीं दिया आज तक। अब भी मना करने पर इन्होंने अभी 2 नल पुल पर दबा दिए गए, कुल मिला के 10 नल इन्होंने दबा दिए, कोई सुनने वाला नहीं है। हमें आपका मेयर अली, कौन से गांव के रहने वाली हो? मुरली भगवानपुर उफ डेयरी। अच्छा, गांव में क्या क्या समस्या है? गांव में बहुत बड़ी समस्या हो रही है भैया। यहाँ कोई भी बाहर का बंदा आके नहीं हो करता, देखभाल नहीं करता। हम इतने परेशान होते हैं, अपने बच्चों को भी हम ले जा नहीं पाते। इतनी बीमारियाँ फैल रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बहुत बीमार हो रहे हैं, बच्चे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छी मच्छर बेहिसाब हो रहे हैं, और इतनी गंदगी हो रही है इस गांव में। जब ये इस टाइम ये हाल है, तो आगे को जाके क्या हाल होगा? हमारे बच्चों की पढ़ाई तक की रुकती है। अच्छा, गांव में विकास जो है कितना हो गया होगा? गांव में मतलब क्या क्या काम हुए? गांव में भैया, गांव में तो आप सर्वे करोगे तो खुद जान जाओगे कि यहाँ की क्या दिशा है। गरीब कितना बंदा है, कितना परेशान है। यहाँ खुद आप जाके
देखो कि कितने परेशान हैं यहाँ लोग और कितनी किस तरीके से परेशान है, घर से बेघर होए पड़े लोग, बरसात में इतने घर टूटे हैं कि आप कहीं न मानो कि किसी को खाने को जल्दी से खाना भी नहीं मिला, इतना पानी भरा हुआ था, तगड़ी तगड़ी पानी भरा हुआ था हमारे घरों में, और तगड़ी तगड़ी पानी में हम अपने बच्चों को गोद में ले लेके एम्बुलेंस वाले भी आके राजी नहीं हुए यहाँ, एम्बुलेंस वाले भी, और हम इतने परेशान थे यहाँ से वहाँ तक अपने बच्चों को गोद में ले लेके गए जब दवाइये करी, इतने परेशान हम थे भैया, और मेहनत करी हमने रास्ते के लिए, हमें रास्ता भी चाहिए और अपने गांव के लिए सुविधा भी चाहिए। मैं आपका मोहम्मद वसीम, कहाँ के रहने वाले हो आप? नूरलीपुर भगवान उफ डेयरी। अच्छा, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में एक तो जी ये गंदगी से मच्छर बहुत हो रहा है, फिर बुखार बहुत आ रहे हैं, इनके तीनों बुखार ही चल गया, कई बहुत बंदे बीमार पड़े हैं। अच्छा, गांव में विकास को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं? विकास मतलब कहने का भी, जब पानी भर गया तो विकास हो ही नहीं रहा है, बीमारी कई मौत भी हो चुकी है। तो गांव में सड़कें वगैरह बनी हुई है या नहीं? सड़कें पहले बनी हुई थी, रोड बनने से सब सड़कें खत्म हो गई हैं। तो आपने किसी से शिकायत की? वो प्रधान जी ने की होगी, जिससे भी की होगी। हमने भी वीडियो बनाकर डाली है अभी। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्तकार अहमद है, मैं ग्राम नूरअलीपुर भगवान का रहने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, ठीक है। अच्छा, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली समस्या थी रास्ते की समस्या है, ठीक है, रास्ते में बरसात में काफ़ी पानी भरा जाता है, दो दो फीट तीन तीन फीट पानी भर जाता है यहाँ, उससे जनता को निकलने में परेशानी नहीं हो रही है। तो अब तो कोई बरसात भी नहीं हो रही है? बरसात नहीं है, लेकिन सरकार कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, बरसात में इतना पानी भरा है, अभी देखो यहाँ से निकलने में दिक्कत है, मेहमान नहीं आ सकता है, कोई जा नहीं सकता है, ठीक है, इसमें बहुत कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हमारे रास्ते पे इस पर, तो इसलिए हमारा आग्रह आप लोगों से है, थोड़ा इसको वायरल करके आप थोड़ा इस रास्ते पे ध्यान दीजिए, और थोड़ा गांव में कोई विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर को। अच्छा, गांव में जो सड़कें हैं वो बनी हुई नहीं है क्या? सड़कें बनी हुई है थी ये, ठीक है, लेकिन ये रोड बनने से थोड़ा बहुत निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर कोई देख लो, आप ही देखो यहाँ पर कैसे रास्ता कैसे हो रहा है, पानी भरा पड़ा है पूरा उसमें रास्ते में, यहाँ क्या पूरे पूरे गांव में लगा लो कि पूरे हालत रास्ते की बहुत ख़राब हो रही है, आदमी जगह जा नहीं सकता, आ नहीं सकता कहीं से, मेहमान का आना दुश्वार हो रहा है, निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।